की इवेंट्स एंड डेकोरेटर्स। हमारे यहाँ बर्थडे पार्टी, स्टेज डेकोरेशन, फ्लावर डेकोरेशन, बैलून डेकोरेशन, फ्रूट एंड आइसक्रीम स्टॉल, डिजिटल फोटोग्राफी, मॉडर्न फोटो फ्रेम, कैटरिंग, कैंडी एंड पॉपकॉर्न स्टॉल, कॉफी स्टॉल, हाईफाई डीजे, संगीत डेकोरेशन की जाती है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। प्रोविजन करण, ऋषभ, प्रियांशु। संपर्क सूत्र 7505598533, 9560200630, 8532879333। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून को स्मार्ट सिटी बनाने का काम 2019 में शुरू हुआ था। अब उत्तराखंड की राजधानी देहरादून स्मार्ट सिटी बनने को तैयार है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने स्मार्ट सिटी को सदैव दून योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के अंतर्गत देहरादून का एक कमांड एंड कंट्रोल सेंटर देहरादून के ITDA में बनाया गया, जहां से पूरे शहर में एक साथ नजर रखी जा सकेगी, जिसके लिए पूरे शहर में लगभग 5000 कैमरे लगाए गए हैं। वहीं राजधानी देहरादून में कूड़े का निस्तारण कैसे हो रहा है और कहां पर कितना कूड़ा है, इस पर भी नजर रखी जाएगी। साथ ही पूरे शहर में स्मार्ट सिटी के अंतर्गत होने वाले कामकाज का भी कंट्रोल सेंटर यहीं से किया जाएगा। स्मार्ट सिटी की सदैव दून योजना के शुभारंभ के अवसर पर भारत सरकार के सचिव सहित कई बड़े अधिकारी कार्यक्रम में मौजूद रहे। इस मौके पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताते हुए कहा कि देहरादून को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए उनकी सरकार लगातार प्रयास कर रही है और 2019 से स्मार्ट सिटी के कामकाज शुरू किए गए हैं, जो पूरे हो रहे हैं और जल्द ही देहरादून स्मार्ट सिटी में तब्दील हो जाएगा। मैं पहले तो धन्यवाद करना चाहूँगा माननीय प्रधानमंत्री जी का कि देहरादून को स्मार्ट सिटी के रूप में उसका चयन हुआ। दूसरी बात कि थर्ड राउंड की ये स्मार्ट सिटी में इसका चयन हुआ था, और अगर हम देखें तो थर्ड राउंड में जिन शहरों का चयन हुआ था उसमें देहरादून पहले स्थान पर आया है, और इन टोटल जो 100 सिटीज़ हैं उनमें 9वें नंबर पर आया है। तो हमारे CEO जो है उन्होंने बहुत बढ़िया और बहुत तेज़ी से काम किया है, जिससे तमाम जो जनता से जुड़ी हुई समस्याएं हैं, आवश्यकताएं हैं, उनको पूरा करने का काम, कुछ को कंट्रोल करने का काम, नियंत्रित करने का काम, और जो मानव हस्तक्षेप है उसको वो कम होगा। तो एक तरह से अगर हम कहें कि ये जो सेंटर का जो स्मार्ट सिटी का जो एक कमांड एंड कंट्रोल सेंटर आज लोकार्पित किया गया है, इसके बहुआयामी परिणाम होंगे। देखिए, जो कमांड कंट्रोल सेंटर है वो मेन प्रोजेक्ट होता है किसी भी सिटी को स्मार्ट सिटी कहने के लिए। डिफरेंशिएशन का प्रोजेक्ट है ये, और इसमें आज जो है हमारे लगभग 500 के आसपास कैमरे, जिसमें ऑटोमेटिक नंबर प्लेट डिटेक्शन कैमरा, स्पीड वायलेशन का डिटेक्शन, रेड लाइट वायलेशन डिटेक्शन, फेस रिकॉग्निशन, अनअटेंडेड बैगेज रिकॉग्निशन, ये सारी चीज़ें, रैश ड्राइविंग, रॉन्ग साइड ड्राइविंग, ये सारी चीज़ें जो है आज यहाँ से इंटीग्रेट होकर के सर्विसेज शुरू हो रही हैं। इसके अलावा जो दूसरी, एक तो इससे क्या है कि ट्रैफिक का इम्प्रूवमेंट होगा, किस चौराहे पर कितना ट्रैफिक है, किस तरीके से ट्रैफिक मूव कर रहा है, ये सारी चीज़ें उसमें पता चलेंगी। और इसके अलावा क्लासिफिकेशन व्हीकल्स का, सिटी के अंदर आने और जाने वाली समस्त गाड़ियों की जो है इसमें जो है डेटा रखा जाएगा। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो सिटीजन सर्विसेज हैं वो आज से अप हो जाएंगी। और सिटीजन सर्विसेज में ये है कि अगर कोई अपना ग्रीवांस किसी भी विभाग, जो शहर से रिलेटेड विभाग है, चाहे वो नगर निगम है, MDDA है, स्मार्ट सिटी है, PWD है, जल संस्थान, जल निगम, UPCL, इन सभी की शिकायतों को वहाँ कर सकेगा। हर डिपार्टमेंट का अपना कंसोल है, इसके अलावा हर सिटीजन का भी अपना डैशबोर्ड है, उसमें उसको कितने टैक्सेस पे करने हैं वो उसमें वो देख सकता है, रजिस्टर कर सकता है, कितनी उसने ग्रीवांसेस करी हैं, उन ग्रीवांसेस पर क्या कार्रवाई हुई है वो देखा जा सकता है उसके द्वारा। इसके अलावा अगर वो अपने टैक्सेस की चीज़ें उसमें रजिस्टर करता है तो डिपार्टमेंटल अलर्ट भी जारी होता है उसमें, कि आप उस अलर्ट से ये जान सकते हैं कि किस तरीके से मेरी को कब और किस दिन इस सर्विस को पे करना है। इसके अलावा जो हमारा सिटी बसेस हो गई, कूड़े की गाड़ियां हो गई, ये सारी भी इसमें इंटीग्रेट कर दी गई हैं, तो वहां पर भी आप देख सकते हैं कि सिटी बसेस कैसे चल रही हैं, क्या है।
और हमारी जो इलेक्ट्रिक बस है वो भी इससे इंटीग्रेट की गई है। तो अब जब इलेक्ट्रिक बसेज यहाँ पर चलना शुरू हो जाएंगी तो उसमें जो अगले माह से चलेंगी, तो उसमें बस कब आ रही है, कितने देर में आ रही है, कितना डिले है, वो सारी चीज़ें उसमें देखी जा सकती हैं। बस जो है, बस के अंदर क्या चल रहा है वो सीसीटीवी कैमरे से फीड यहाँ आ सकती है। इसके अलावा जो हमारे स्मार्ट स्कूल हैं वो इससे इंटीग्रेट हो गए हैं। तो ये ओवरऑल क्या है, अगर आप इसको अगर एक लाइन में डिफाइन करें तो ICCC जो होगा वो शहर का मस्तिष्क होगा, जहां से सारी चीजें शहर की कंट्रोल की जाएंगी। सर, एक जो हमारा है, एक तो आप पोर्टल पर जाकर के वो अपना बना सकता है, रजिस्टर करके अपना पूरा डैशबोर्ड उसका खुद हो जाएगा, मतलब हर सिटीजन का अपना एक डैशबोर्ड बन जाएगा इसके अंदर। इसके अलावा एक हमारा टोल फ्री नंबर है 1800180 2525, इस पर भी ये टोल फ्री नंबर पे भी फोन करके वो अपनी शिकायतें जो शहर के विभिन्न विभागों की है वो इस पर दर्ज करेगा, और फिर यहाँ से वो प्रोसेसेस फिर जो हमारा कंसोल डिपार्टमेंट का है हम उसमें मूव करा करके उस प्रोसेस को, हर डिपार्टमेंट की शिकायत के लिए एक SOP निर्धारित हुई है वो उस डिपार्टमेंट के कंसल्टेशन से, उसके अनुसार उसे उस शिकायत को तय समय के अंदर दूर करना होगा। थैंक यू सर।